तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है शिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं देख रहा हूँ पूरा गेटअप में आ चुका हूँ, जा रहा हूँ नाथ बाबा। सड़क पे इतना ज्यादा शोर हो रहा है, भीड़ मचा हुआ है। तो भैया जी, मैं आ चुका हूँ सड़क पे, मेन सड़क पे, और मैं अकेला ही हूँ। और ये है, अभी मैं आ चुका हूँ जिला देवरिया में। पहले मैं गोरखपुर में था। तो यार देख रहे हो इतना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा जैसा लग रहा है क्या आ रहा है सामने से। तो ये पूरा कोहरा है और मैं अकेले हूँ, मतलब 3 किलोमीटर मैं अकेले ही जा रहा हूँ दौड़ के, उसके बाद से मिलेंगे सब। देख रहे हो, मतलब ये रास्ते में पूरी रात गाड़ियाँ चली हैं क्योंकि सब लोग शाम से ही जाके बैठ रहे थे। और अभी पता है कितना बजने वाला है, 4:36 हो रहा है, 5 बजने वाला है। तो भाई साहब, मैं हो चुका हूँ लेट, नींद खुला नहीं, जल्दी जल्दी नहा के निकला हूँ। नाथवा वाला मेन रोड जो पतला वाला है ना, मेन रोड से जो निकल के जाता है नाथवा मंदिर पे, वो वाला। और इस पर भीड़ देख रहे हो, मतलब इतना ज़्यादा। इस पर अब 4-व्हीलर और बाइक वगैरह नहीं अलाउ है, इस पर आज के लिए बस पैदल ही लोग जाएंगे। आगे पुलिस है, पूरा पुलिस फोर्स तैनात है। और मैं आया हूँ ऑटो से भाई, बॉडी से। वो हरिकेश भाई है एक, तो उसका ऑटो है नया नया, तो भाई ने लिफ्ट दिया तो मैं यहाँ तक आया, और यहाँ से फिर मैं पैदल। तो अभी देख सकते हो कितना लोग पूजा करके वापस जा रहे हैं। तो भैया जी, ये वाला जो मेन रोड है ना रामलक्षण वाला, ये वाला भी बंद है, बस पैदल वालों के लिए खुला है आज। मतलब इधर नाथ बाबा के क्षेत्र में गाड़ी नहीं आ सकता, बाईपास वाला भी पूरा बंद है, बाईपास से भी नहीं आ सकता है। और भाई इधर बस पूरा पैदल वाला ही, देख रहे हो कितना भीड़ है, मेरे पीछे देखो। तो भैया जी, भीड़ तो एकदम खचाखच भरा है। मैं खोज रहा हूँ कहीं पे पैर धोने के लिए नलका, आगे है एक, तो वहाँ से पैर धो के आता हूँ, फिर मैं पूजा पाठ करने का सामान लेके फिर जाऊँगा। यार डिस्पोजल में सब बेच रहे हैं लोग, दिक्कत ये है। हर हर महादेव। अरे यार क्यों खाई ना है जो ना? जय। अरे वाह, ऐसे चला तब ना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो भैया जी, मंदिर के अंदर का कुछ माहौल ऐसा है, देख रहे हो यहाँ पे परिक्रमा हो रहा है और भीड़ इतना ज्यादा है ना। यहाँ पे देख रहे हो अगरबत्ती कपूर भाई साहब, और ये सब नीचे जो बह रहा है ना, पूरा जल है, गंगा जल भाई साहब। तो भैया जी, आ चुके हैं अपने दादा परदादा जी लोग के पास, हमारे श्री कृष्ण भगवान जी। तो भैया जी, दर्शन कर लिए हैं अपने राधे कृष्ण जी का, और परिक्रमा भी कर लिए हैं मंदिर का। यहाँ से परिक्रमा करते हैं साइड से, जो लोग कर रहे हैं ना वहाँ से। और देखो, मैं डिस्पोजल नहीं लिया था, मैं लुटिया लिया था, तो अभी आधे घंटे से मेरे हाथ में लोटा है, अभी जाके मैं वापस कर रहा हूँ, और दुकान वाला भी वेट कर रहा होगा मेरा। और ये झूला अभी चालू नहीं है, अभी चालू होगा, 7-8 बजे चालू होगा, और ब्रेक डांस भी बंद है, सब चीज़ बंद है, अभी रात है पूरा। देख रहे हो, हमारा दर्शन हो चुका है एकदम बढ़िया से। तो भैया जी, यहाँ पे है महिलाओं का लाइन, देख रहे हो, मतलब पता नहीं इन लोगों का नंबर कब आएगा, 1.5 घंटे बाद आएगा। और मेन द्वार से इस समय एग्जिट हो रहा है, और इधर से पीछे से एंट्री हो रहा है, यह है यहाँ पे सीन। और अभी मैं जाता हूँ, झूला तो अभी बंद है, कुछ टाइम में चालू होगा, अभी पूरा अच्छे से सवेरा नहीं हुआ है। लाइटिया के उतार दियो।
भैया जी लाइट बंद हो चुका है और शोर मच रहा है एकदम बढ़िया। और अभी सुबह के 6:04 हो रहे हैं और अभी तक पूरा अंधेरा ही है, कोहरा है। अरे पानी गरम मादा आ जाओ, हाँ मजा हो, ठंडा बा गरम। अरे हम तो अरे ही मर दे। सुबह हो चुका है और देख रहे हो अपना झूला भी बंद है, तो जब थोड़ा बहुत धूप उप आ जाए उसके बाद से झूले पे चढ़ेंगे। और हमारे साथ है विकास भाई, ये हमारा मतलब क्या बताएं, छेद करवाओगे शरीर में तो यहाँ पे छेद किया जाता है शरीर में, और वहाँ पे कुछ लोग करवा भी रहे हैं, आवाज कर रहे हैं चेचा, हाँ उधर हो रहा है। और एक ये लड़का है हमारे साथ, अपना परिचय, इसका परिचय सब लोग जानते हैं, फेमस लड़का है ये, फेमस लड़का। और ये हमारा मतलब क्या होता है बकलोल, ये हमारा बकलोल लड़का है, बकलोल लड़का। तो अभी जा रहे हैं हम लोग मंदिर के पीछे, वहाँ पे बैठ के थोड़ा बहुत एक बवाल चीज लिए है, वो दिखाते हैं कि हमारा परंपरा रहा है जब भी आते हैं वो चीज लेते हैं और खोज के उसे खरीद लिए, अब जाके बजाते हैं, बजाते हैं, समझ गए ना। चलो कागज भीम सरिया। तो भैया जी आ चुके हैं बोट पे, और बोट पे कहाँ बैठे, हमको सीट नहीं दिया भाई ने, देव रहा भाई बेवफाई कर दिया हमारे साथ। और भाई यहाँ पे दूसरा ड्राइवर कौन है भाई, नाम क्या है तुम्हारा? अमन प्रजापति। भाई तुम्हारा? अमित। भाई आपका? विजय निशान। विजय भाई बताओ यार। अरे बताओ यार, सच में किया। और देखो कभी यूट्यूब पे सर्च मारना इनका। और ये है हमारा मतलब प्रिय प्रिय लड़का, इससे ज्यादा इसका तारीफ नहीं करेंगे। और देख रहे हो गाड़ी गाड़ी ओवरलोड है, और हमारे कुछ मित्र वहाँ पे अटके हैं उस वाले बोट का, वो चैन चढ़ा रहे, चैन उतर गया है। और भाई घुमा दो 2-3 चक्कर, हम बढ़िया बढ़िया धुन सुना दें, धुन सुना देंगे भाई। तो भैया जी फाइनली हम आ चुके हैं एकदम झूले के पास, टिकट उकट लेके, देख रहे हो ना। और हमारे लंगोटिया यार धोखा दे दिया, बोला है कि जाओ अकेले चढ़ लो, वो पीछे हट गया भाई। तो भैया जी फाइनली हम लोग आ चुके हैं एकदम झूले के ऊपर, देख रहे हो भाई आप भाई को भी अकेले बैठा दिया, हम तो अकेले हैं। हमारा जो निठल्ले दोस्त लोग हैं ना, उन लोग को डर लगता है झूले से, तो वो लोग नीचे हैं और मैं ऊपर हूँ, और भाई भी एक ऊपर ब्लॉगर बैठा है। और देख रहे हो भाई साहब, भाई देखो क्राउड कितना ज्यादा है, देख रहे हो, यह है क्राउड इतना। लगे रहो भाई लोग का भी YouTube चैनल है, उतरने के बाद YouTube चैनल बता देना अपना, उतरने के बाद अपना YouTube चैनल बता देना, ठीक है। ऐसा है अपना यहाँ का माहौल, देख रहे हो बढ़िया। हमारा अलग पंचर नहीं होने वाला क्योंकि हमारा तीसरा राउंड है, ठीक है। फिर भी उसके तो भाई घटिया है, वो मजा नहीं आ रहा है ब्रेक डांस। मजा आ गया एकदम झूल के, क्या बताएं, एकदम स्लो स्लो कर दिया लास्ट में, थोड़ा सा स्पीड चलाया था, 2-3 राउंड बढ़िया खिलाया, उसके बाद से पूरा स्लो ही खिलाया। तो हमारा बारी आ गया उतरने का, तो भैया जी मजा तो आ गया लेकिन 1 राउंड और मारना पड़ा। तो भैया जी मेला से हम घर जाने के बाद, और
आ चुके हैं वापस से रुद्रपुर, गाड़ी से आया हूँ इस बार, और यहाँ पे अपना महाकाल की बारात निकल चुकी है। ओ भाई साहब, था बाइक से रुद्रपुर में महाकाल का बारात में डांस करके, और दिक्कत क्या हो रहा था पार्किंग का, देखो रहा पूरा रास्ता खाली हो गया, तो बाइक का पार्किंग का दिक्कत हो रहा था, तो फिर बाइक गए घर पे रख के और फिर अपना चेतक उठा के लेकर आए हैं। तो अब इससे मतलब यहाँ पे इसको मतलब खड़े करने में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी लगा देंगे, लॉक भी है मेरे पास, तो इसलिए मैं साइकिल से आया हूँ गाड़ी रख के। गाड़ी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाता है, साइकिल का भी है, लेकिन दुकान है आसपास, किसी दुकान में ढुका देंगे, हमारा ही पहचान का है, तो इसलिए इसको उठाए हैं। और अभी भाई कीड़े होते हैं ना जो आँख में पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो जा रहे हैं अभी दुकान में रखेंगे। सामने वाला जो तिरपाल दिख रहा है दोस्त का दुकान है, तो उसी दुकान में रख के फिर जाते हैं, देखते हैं कि महाकाल का बारात कहाँ पे है अभी, तो जाके डांस कर ले। तो भैया जी मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है अभी बारात, और हम भी जा रहे हैं, साइकिल का ठिकाना लगाते हैं राकेश भाई के दुकान में रख के लॉक करके, और ये बैग भी रख के एकदम फ्री होके आते हैं। तो अभी फिर से 2 किलोमीटर जाना, 2 किलोमीटर पैदल आना, और बारात भाई मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, तो फिर मैं वॉइस ओवर करूँगा, नहीं तो वैसे ही म्यूजिक लगा दूँगा, तो फिर एडजस्ट कर लेना यार।